भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं गोल्ड मेडल्स के बारे में। ये किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है इस साल, क्योंकि अभी ये जो ओलंपिक्स है ये अभी जल्दी ही खत्म होने वाला है। हेलो भाई, जय श्री राम। मैं बढ़िया हूँ, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पूरा इंडिया इसी की बात कर रहा है और ये चीज हमारे इंडिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम भी उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी है जो आपके काम की हो सकती है, तो उसीलिए आप ये वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें, और हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का ओलंपिक्स के बारे में जी, जो कि पेरिस में अभी चल रहे है और इंडिया उसमें प्रदर्शन अभी कर रहा है। काफी सालों से ही ओलंपिक्स चल रहे है और अभी इसमें इंडिया कैसा प्रदर्शन चल रहा है, इंडिया ने कौन कौन से मेडल जीते है और कितने मेडल जीते है, और सबसे आगे इस लिस्ट में अभी तक कौन चल रहा है, तो वो भी हम जानेंगे। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गोल्ड मेडल्स के बारे में। ये किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है इस साल, क्योंकि अभी ये जो ओलंपिक्स है ये अभी जल्दी ही खत्म होने वाला है। इसकी जो डेट है वो 11 अगस्त को है, तब ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में इस साल के गोल्ड मेडल किसने जीते हैं। तो दोस्तों, हर चीज की तरह इस बार भी चाइना हमसे आगे निकल चुका है। उन्होंने इस साल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। आप सोचिए, 13 गोल्ड मेडल जीते, काफी बड़ी बात है ये। और उसके बाद अगर लिस्ट में देखा जाए तो उसके बाद आएगा फ्रेंच, जिन्होंने 11 मेडल जीते हैं गोल्ड मेडल। अभी हम गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये देश में पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखा है इस बार, और हर बार भी दिखाते ही है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड मेडल अभी तक एक भी नहीं जीता इस साल। और हम पता नहीं क्या है, हमारे देश का इतनी पॉपुलेशन है, उसके बाद भी पता नहीं क्या है, वर्क एनवायरमेंट में क्यों डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण हम गोल्ड मेडल अभी जीत नहीं पा रहे हैं। और पिछले साल मतलब 2008 से लेकर हम चले, अभी 2008 में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, उसके बाद हुआ तब भी नहीं जीता, 12 में, उसके बाद 16 में भी नहीं जीता, 20 में हमने जीता था एक गोल्ड मेडल सिर्फ, वो भी नीरज चोपड़ा की मदद से जीता था। उन्होंने बहुत अच्छा खेला था ओलंपिक्स में और उनकी मदद से हम जीते थे। और 2024 में अभी तक मतलब अब खत्म होने का टाइम आ चुका है, 10-12 दिन बचे हैं, और अब तक एक भी गोल्ड मेडल हमारे हाथ में नहीं आया है। अगर टोटल अवार्ड्स की बात करें, कितने मेडल हम टोटल मिले हैं, उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल को मिला के अगर देखे जाए तो इसमें भी चाइना सबसे आगे है। चाइना के पास है 16 मेडल और इंडिया के पास है टोटल 3 मेडल, वो भी ब्रॉन्ज है, उसमें ना तो सिल्वर है ना तो गोल्ड है, और चाइना इन सभी में आगे निकल चुका है आज की कंडीशन में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और फिर फ्रांस वगैरह दूसरे देश की भी लिस्ट आ जाती है। अगर वहीं देखा जाए चाइना पहले नंबर पे है, तो आप सभी जानना चाहते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे है। पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, चौथे पे तो होगा, पांचवे पे होगा, दसवें पे नहीं, ग्यारहवें, बारहवें नहीं, नहीं नहीं, बीसवें नहीं, तीस नहीं, चालीस नहीं, पचास जी, गुण 50वें नंबर पे इस बार इंडिया है। और अभी उसकी पोजीशन और बढ़ चुकी है और वो 53 नंबर पे आ चुका है। जो इंडिया पहले नंबर का मतलब हर चीज में पहले सबसे आगे रहने वाला इंडिया, आज गुण 50वें और 53वें नंबर पे आ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी ओलंपिक्स में जाने वाले जो है उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है, उसकी वजह से हम आज इस चीज में पीछे रह गए हैं। अब बात करते हैं हम ब्रॉन्ज मेडल के, जो हमने अभी बात करी, तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये जो तीन आए हैं, ये मेडल लाया कौन है, तीन मेडल आए हैं अपने पास, तो वो तीन मेडल आए किसकी मदद से है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें से एक लड़की है जिसने दो मेडल लेके आई है, और वो भी 25 कितने 10 मीटर की एयर पिस्टल में, तीन कॉन्टेस्ट हुए थे उनके टोटल। उनका नाम है मनु भारकर, मनु भारकर है जो दो मेडल ब्रॉन्ज मेडल लेके आए इंडिया के लिए, और वो दोनों मेडल लेके आए हैं 10 मीटर एयर पिस्टल के, इसमें लेके आए हैं। और अभी एक उनका लास्ट कॉन्टेस्ट हुआ था 25 मीटर एयर पिस्टल का, उसमें वो फोर्थ नंबर पे आए थे। अगर एक पोजीशन ज्यादा हाथते तो वो पहले इंडिया के रहते, जो एक ही में तीन ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, तो बस वो एक पॉइंट से चूक गए, एक पोजिशन से चूक गए, वरना उसमें भी थर्ड आ जाते तो उनके पास तीन आ जाते मेडल। और अब ये दो मेडल हो गए। अब एक मेडल और कौन लाया है, वो है स्वप्निल कुमार कुशाले, ये 50 मीटर राइफल के इसमें लेके आए, ये भी एक ब्रॉन्ज मेडल। तो ये टोटल हमारे पास तीन मेडल आ चुके हैं। अब दोस्तों, एक जो पिछले साल नीरज चोपड़ा लाए थे, उनका भी कॉन्टेस्ट अभी होने वाला है, जो कि है
6 तारीख को, अभी 6 अगस्त तक होगा, आज कितनी 4 अगस्त है, तो ये अभी 6 अगस्त तक होगा। और उसके लिए अगर वो पिछले साल गोल्ड जीते थे तो इसके लिए उनके लिए एक जो वीज़ा की एक कंपनी है उसका भी मैं आपको यहाँ पर देख के रखूँगा, तो आप देख लीजिएगा उनका एक ऐसा वो लिंक्डइन एक एप्लीकेशन, उस पर एक उन्होंने डाला है कि अगर आप ये एक वीज़ा कंपनी के सीईओ हैं, इन्होंने बोला है कि अगर इंडिया के लिए अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं तो इंडिया की पूरी कंट्री के जितने भी मेंबर हैं उनका वीज़ा फ्री किया जाएगा यूएसए का। और वो सीईओ होने के बाद में उनका नाम मैं वही बताता हूँ आपको, उनका नाम है मोहक नेहता, मोहक नेहता नाम है उनका, जो कि एक सीईओ कंपनी है, वीज़ा कंपनी है, सीईओ है वीज़ा कंपनी के यूएसए के। तो उनका ये द्वारा ये लिखा गया है कि अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं तो पूरे इंडिया का वीज़ा भी यूएसए के लिए फ्री किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है इंडिया के लिए। लेकिन अगर ये मेडल हमें जीतना पड़ेगा उसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए एक और हुई है जिसके भी मैं बात करने वाला हूँ ओलंपिक्स में। और इंडिया ने 52 साल बाद ओलंपिक्स में जो हॉकी रहता है उसमें, जो हॉकी इंडिया का गेम है आपको पता होगा, हॉकी को इंडिया ने लॉन्च किया था, और हॉकी में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया इस सब, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया है। लेकिन 52 साल बाद इंडिया जैसी टीम के लिए 52 साल लग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराने के लिए। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी 52 साल किस कहा जाता है, 52 साल अगर ऐसा टीम को, एक टीम को हराने के लिए लगेंगे तो फिर तो आप ओलंपिक्स में मेडल लाना छोड़ दीजिए। आप फिर ये छोटी छोटी बात कर लीजिए कि इसको हरा दो, ये चाइना वाला को हरा दो, लेकिन दूसरे से हट जाओ, ये तो ये सब चीज़ नहीं चलने वाली यहाँ पे। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत गलत भी बात है एक तरीके से देखी जाए तो, क्योंकि 52 साल बाद ये इतना अचीवमेंट नहीं बोल सकता मैं इसको, बोलूँगा यार मतलब क्या है, मतलब ये अच्छी चीज़ हुई है इंडिया के लिए, फिर भी 52 साल बाद मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये कहने वाली बात है। और काफ़ी ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, बाकी मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि 52 साल लग गए हमें यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि एक टीम को हराना, अगर वो बोलते हैं ना कि 100 बार सिक्का हिलाओगे, सिक्का घुमाते हो आप, तो उसमें 10 बार अगर घुमाओगे तो 10 में से 1 बार तो आ ही सकता है, 10 साल में से 1 बार तो आ ही सकता है, लेकिन 52 साल किसको बोलते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो वो चीज़ है, वो भी हमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और मैं दिखाता हूँ मेरे नोट्स में क्या क्या और लिखा हुआ है। गाइस अभी 3 ऐसे गेम नहीं आए हैं, अगर वो गेम ओलंपिक्स में आ जाएंगे तो इंडिया सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। इंडिया के पास उन तीनों गेम में इतनी पावर है कि वो बिल्कुल बहुत खतरनाक प्रदर्शन करेगा, और उसमें मेडल लाना इंडिया के लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो उन 3 गेम की मैं पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका, वीडियो लंबी थोड़ी जा रही है। तो अभी 3 गेम हैं जो, जिसमें पहला गेम है चेस, जो कि अभी ओलंपिक्स में नहीं आया, लेकिन इंडिया के पास ऐसे तुरुपदार 51 रखे हुए हैं जो कि कम उम्र में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है, और काफ़ी अच्छा उन्होंने चल रहा है। तो अगर वो ओलंपिक्स में आएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर इंडिया को करके देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कबड्डी की, जिस तरह के कबड्डी के प्लेयर्स हैं इंडिया में वो भी काफ़ी शानदार रहेगा, और वो सभी देखने में प्रो कबड्डी हम सभी देखते हैं तो वैसा ही रहेगा, और काफ़ी अच्छा हम उसमें भी प्रदर्शन इंडिया करके देने वाली है। और अगर इंडिया की तरफ से कबड्डी की टीम वहाँ पर जाएगी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन निकलने वाला है। और तीसरा गेम है जिसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो ओलंपिक्स में कहा गया था कि विराट कोहली की वजह से वो क्रिकेट ओलंपिक्स में लेने का सोच रहे हैं, और अगर ऐसा होता तो क्रिकेट इंडिया की टीम क्रिकेट कितनी मजबूत है, वो तो इंडिया ने पूरा लोहा पूरे देश को, पूरी आसपास के जितने भी देश है सभी को मनवाया है कि इंडिया की क्रिकेट टीम कितनी दमदार है। और हम इस साल अभी जो मैच हुआ था, ये ट्रॉफी हुई थी वर्ल्ड कप की, वो भी हम जीते थे, और ऐसा कुछ ओलंपिक का भी हुआ तो हम बिल्कुल उसमें जीत सकते हैं। तो ये 3 हमारे गेम यहाँ पर अभी मैंने बता दिए हैं। इस वीडियो की समाप्ति करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन इसी के साथ में मैं कुछ ऐसे तीरंदाज लोगों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो मतलब आप सोच सकते हो कि जो सीधे चम्मच से घी नहीं निकल सकता ना, वो लोग कैसे करते हैं काम, मतलब जो काम एक नॉर्मल पर्सन के लिए करना काफ़ी मुश्किल रहता है वो इतनी आसानी से काम कर देते हैं। और ऐसा ही दोस्तों अभी हुआ है जो कि हमें ओलंपिक से में देखने को मिला है, क्योंकि एक पर्सन ने जब गन चलाई तो वैसे सब सेफ्टी यूज़ करते हैं, कानों पे बांधते हैं, चश्मा बांधते हैं, निशाने के लिए बिल्कुल वो स्ट्रेट रखते हैं, उन्होंने ना तो सेफ्टी यूज़ करी, ना चश्मे, ना किसी भी तरह की कोई सेफ्टी यूज़ करी, और ना ही परफेक्ट निशाना लगाने के लिए कुछ इस तरह का लगा के बिल्कुल सही निशान लगे, उन्होंने बिना किसी इस्तेमाल के निशान लगाया हाँ, और वो जीत चुके हैं, वो इटली के, शायद इटली के, उनको सिल्वर मेडल मिल गया है। मतलब किस तरह के लोग हैं यार, इतने टैलेंटेड लोग हैं बिना किसी यूज़ के,
और एक अंकल थे वो टेकल वाली करना है, उन्होंने पीछे गोली मारी, यूं हाथ रखे पीछे मारे। फिलहाल उनमें मेडल नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये ओलंपिक्स में किस तरह के लोग जाते हैं, वो निशाना सब सीधे लगा रहे, वो पीछे ही हाथ करके निशाना लगा रहे, तो वो भी है। और उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है, जिनका मैंने बताया बिना सेफ्टी के करा है। और ऐसा ही हुआ था 2014 में, जिन्होंने बिना सेफ्टी से किया था लेकिन वो जीते थे गोल्ड मेडल, और ये जीते हैं सिल्वर मेडल, तो भी काफ़ी शानदार रहा था। तो चलिए दोस्तों, हमें इस वीडियो में सभी ओलंपिक्स की जानकारी अभी तक की मिल चुकी है, और कुछ जानकारी वगैरह रहती है नीरज चोपड़ा कैसा प्रदर्शन करेंगे, उनका कॉन्टेस्ट है अभी 6 तारीख को, वो भी हम देखेंगे। और चलिए इसी के साथ में आज के इसकी वीडियो की समाप्ति करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय जय श्री राम।